वहीं इस बीच उत्तराखंड से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में यूसीसी बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। ये अहम जानकारी उत्तराखंड से। उत्तराखंड में यूसीसी बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। यह अहम जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जिसने यूसीसी को लागू किया है। समान नागरिक संहिता को राष्ट्रपति की आज मंजूरी मिली है। बता दें कि इससे पहले इस बिल को पारित किया गया था, जिसके बाद 28 फरवरी को राज्यपाल ने इस बिल को मंजूरी दी थी और आज राष्ट्रपति ने यूसीसी बिल को मंजूर कर दिया है। बता दें कि अब उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी बिल लागू किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी उत्तराखंड से इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूसीसी बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है और इसको लेकर सीएम धामी ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। ये तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। इससे पहले भी सीएम धामी की ओर से ये दलील पेश की थी। यूसीसी बिल को पारित करने को लेकर लगातार तमाम चर्चाएं हो रही थी, जिसके बाद आज यूसीसी बिल उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है। बता दें कि इसको लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी आज अपनी मंजूरी दे दी। ये बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार जताया है और उन्होंने एक्स के माध्यम से ये ट्वीट किया है। आम जानकारी के साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, लगातार यूसीसी बिल को पारित करने के लिए कयास लगाए जा रहे थे, तमाम कोशिशें की जा रही थी, जिसके बाद आज राष्ट्रपति ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। क्या कुछ अहम फायदे हैं जो उत्तराखंड को इस बिल से अब होने वाले? अवनीश, यूसीसी बिल को आज राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है, उत्तराखंड में इस बिल से अब क्या कुछ अहम फायदे हैं जो लोगों को मिलने वाले हैं? अवनीश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आकांक्षा, बोलिए बोलिए। लगातार यूसीसी बिल को लागू करने की कोशिशें की जा रही थी, इससे पहले भी राज्यपाल ने इसको मंजूरी दी, उसके बाद ये फिर पेश किया गया था और आज राष्ट्रपति ने भी इसको मंजूर कर दिया है। तो क्या लगता है उत्तराखंड में अब किस तरीके का परिवर्तन देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, लगातार जिस तरीके से बात यूसीसी की करें, इसको लेके कई जो है महीने लग गए थे, इसके लिए बाकायदा समिति गठित की गई थी, फिर उसका कार्यकाल बढ़ा गया था, आम जनमानस से संवाद किए गए थे, कई धर्म गुरुओं से इसके बारे में समीक्षा की गई थी, तमाम बातें जो है इसको लेके विपक्ष लगातार हमलावर होता, कई धर्म गुरुओं ने जो है इसको कहा था कि किसी एक धर्म की जो है इसके ऊपर जो है वो किया है, यहाँ पे सरकार जेल वो देना जा रही है, दबाव बनाना चाह रही है, तमाम चीजों को लेके यहाँ पे जिस तरीके से बात की थी, परंतु दृढ़ निश्चय की यहाँ पे जो पुष्कर सिंह धामी लगा करते रहे थे, उन्होंने इसको कैबिनेट पे रखा, पटल पे पास करवाया पहले यहाँ पे कैबिनेट मंत्रिमंडल में, उसके बाद इसको संतुति के लिए जो है वहां पे राष्ट्रपति को भेज दिया गया था और अब सबकी निगाहें राष्ट्रपति के संतुति पे लगी हुई थी। आज जिस तरीके से राष्ट्रपति ने उसको जो है यहाँ पे पास कर दिया है और आज से जो है उत्तराखंड के अंदर जो है समान नागरिकता कानून जो है ये लागू कर दिया गया, इसको लेके यहाँ पे पूरे राज्य के अंदर जो है लोगों में खुशी का लहर है, खास करके भाजपा कार्यालय में जश्न की तैयारियां की जा रही है। पुष्कर सिंह धामी ने भी जो है वहां पे उनको जो है धन्यवाद दिया है राष्ट्रपति का और खास करके प्रधानमंत्री का। उनका कहना था कि इससे जो आम जनमानस है, खास करके महिलाएं हैं, सभी को जो है यहाँ पे समानता मिलेगी, इनको जो अपने अधिकार थे, जो संपत्ति की बात करें, एक विवाह से अलग करने की बात करें, तमाम चीजों को यहाँ पे इसको जो है लागू होने से तमाम लोगों को जो है इसमें आम जनमानस को फायदा पहुंचेगा। जी आकांक्षा। वही अवनीश जी, अगर बात करें तो सीएम धामी हमेशा से महिलाओं पर ज्यादा फोकस करते हैं, तो क्या लगता है जिस तरीके से अब यूसीसी बिल लागू हो गया है तो महिलाओं को क्या फायदे होने वाले हैं? इसमें लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है, तो क्या लगता है उत्तराखंड में अब किस तरीके का परिवर्तन देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर बात करें जिस तरीके से लिविंग रिलेशनशिप की बात थी, उसकी मान्यता की बात थी, उसको दे दिया गया था, संपत्ति में जो पैतृक संपत्ति थी उसमें इसको जो है समानता का अधिकार मिला है, और जो यहाँ पर खास करके बात करें जो पति था, पति के जो है डेथ के बाद सारी संपत्ति थी जो है वो जो है ये अड़प लेती थी, अब इसमें जो महिलाओं को जो खास करके बात करें उनके बुजुर्ग जो लोग होते थे, जैसे माँ बाप होते थे, उनको भी इस संपत्ति में अब जो है अधिकार मिल गया है। और दूसरी बात, यहाँ पे बहुविवाह चलन की बात थी कि जैसे एक विवाह
बच्चे होते हुए दूसरी चोरी छिपे कर लेता था वो, उसके भी जो है यहाँ पे जो है जो सजा का प्रावधान कर दिया गया है कि किसी भी तरीके से जो संपत्ति होगी वो यहाँ पे सबको बराबर मिलेगी। वही दूसरी बात यहाँ पे जिस तरीके से बात करे जाते कि जो जिसको कहते थे कि रिलेशनशिप में जो अगर बच्चा हो जाता है या उसको अधिकार की बात थी, वो भी यहाँ पे अधिकार उनको महिलाओं को मिलेगा। और खास करके महिलाओं सशक्तिकरण की यहाँ पे लगातार पुष्कर सिंह नामी बात करते रहे हैं, उन्होंने कहा था कि महिलाओं को जो है आगे बढ़ने की यहाँ पे लगातार उनको पूरा समानता का अधिकार दिया जाएगा। अब 30% 33% आरक्षण की बात थी, उन्होंने इस बार भी जो है कहा कि जो विधानसभा के जो चुनाव होंगे और खास करके पंचायत नगर निगम वहाँ पे महिलाओं की यहाँ पे भागीदारी की जाएगी। जी ठीक है अवनीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूसीसी बिल को आज उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है, राष्ट्रपति की मंजूरी इस बिल को मिल गई है, यह अहम जानकारी सामने आ रही है। इससे पहले भी इसको पारित करने की तमाम कोशिशें की गई थी, जिसके बाद पहले राज्यपाल से इसको मंजूरी मिली और इसके बाद आज राष्ट्रपति ने भी इस बिल पर मुहर लगा दी है। बता दें कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर यूसीसी लागू होगा।